इसने दो टके की औरत के घर जाकर जान दे दी है। ये तो होगा, आज मैं मर जाऊंगा फिर मर जाऊंगा, जब तक यहाँ हूँ जिंदा हूँ। आ गया तू जवान हो के, बतनी चलती। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इतने मिनट का क्लिप है, एक मिनट का डालो। माइनर हार्ट अटैक हुआ है। हाँ हाँ हाँ। इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। इज नो मोर, मर गया इंतकाल। सारा कराची बंद होगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। नेटी जेटी बंद हो गया है, कयूमा बांध बंद हो गया है, काला पुल बंद हो गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी इस हुकूमत की हट करने की वजह से। मर गया, जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैंने सीना ठोक कर कहा मारो मुझे मारो, ये मेरा ये भरम है। मेरे पास तुम बिल्कुल, आज पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशी का दिन था, लेकिन बिलाखिर वो दिन गमगीन हो गया, वो दुख रंज में तब्दील हो गया, क्योंकि आज एक ऐसा काम हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में पूरी आवाम सोगवार गए। जी हाँ, आज मेरे पास तुम हो के लीड किरदार दानिश इंतकाल कर गए हैं, रजा इलाही से इंतकाल कर गए हैं, और हम ऐन उसी अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां से दानिश की डेड बॉडी को अब से कुछ देर पहले लाया गया है। जराए के मुताबिक बताया जाता है कि मरने से पहले दानिश के आखिरी अल्फाज थे कि मेरे बेटे, मेरी ये दिल की लकीर सीधी हो रही है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे दिल में धड़क रहा हूँ। जी हाँ, वो अपने बेटे रूमी के दिल में अभी तक धड़क रहे हैं, और साथ साथ सियासी व सामाजिक कारकुनान की ताजियत का सिलसिला भी जारी और सारी है। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह जो साबिक वजीर थे, उनका यह कहना है कि उन्हें दानिश कनेरिया की मौत पे शदीद अफसोस है। अस्सलाम वालेकुम, दानिश फौत हो गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, मोहतरमा आप परेशान ना हो, पहले हम उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ लेते हैं। यार दानिश साहब फौत हो गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यार जिस दानिश के बारे में इतला आई है कि वो फौत हो गए, उन्हें जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाए, यहाँ उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है। ऐ अल्लाह वहाँ भी जिंदगी बड़ी अच्छी हो, यहाँ जितने उनके पास हुरे थे उससे ज्यादा हुरे या अल्लाह उनको अता फरमाए, यहाँ से बेहतर जन्नत अता फरमाए, यहाँ से बेहतर नेमत अता फरमाए। ये मोहतरमा बेचारी बच्ची का टेलीफोन है, या अल्लाह उसे सब्र की तौफीक अता फरमाए, या अल्लाह पूरी इलाके ने और पूरी जनाब बिरादरी ने उसकी मौत की बड़ी सब्र की, या अल्लाह उनको मीठा फल अता फरमाए। दानिश की मौत को कैसे देखते हैं आप? दानिश की जो मौत है ये पूरे 20 करोड़ पाकिस्तानियों की मौत है, इस पे बहुत दुख हुआ है सबको, ये बहुत बहुत रास्ते निकालेगी। अगर आज पाकिस्तान में बड़े दिल के अस्पताल होते तो शायद दानिश को बचाया जा सकता था। जो कौमें अपने दानिश को नहीं बचाती वहाँ कभी दानिशवर पैदा नहीं होते। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। अगर दानिश की मौत पे क्या कहेंगे आप? जुल्म हुआ, ना इंसाफी हुई है उसके साथ, कि जो जालिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए आला सतह पे जाकर। तो इसका जिम्मेदार जो है इमरान खान साहब, तब्दीली ला नहीं सके जिस तरह वो बात करते थे? बिल्कुल नहीं तब्दीली आई, मजलूम मर रहा है, कातिल पकड़े नहीं जा रहे, तो हुकूमतों का काम नहीं है पकड़ने कातिलों को? बिल्कुल हुकूमत का काम है पकड़ना, लेकिन हुकूमत बिल्कुल जीरो है, बेबस है। आप दानिश की मौत को कैसे देखते हैं भाईजान? ये दानिश की मौत नहीं है, ये पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम की मौत है। आप भी दानिश है, मैं भी दानिश हूँ, ये हम सब की मौत है, मौत है। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को दानिश के हवाले से? पैगाम यही है कि मुल्क में इंसाफ पैदा करें। दानिश का पता आपको कौन है? नहीं मुझे इल्म तो नहीं। चलो ठीक है भाईजान, आप बताएं ये दानिश की मौत को कैसे देखते हैं आप? जो भी इस चीज का जिम्मेदार है उसके खिलाफ सरासर एक्शन होना चाहिए। जैसे कराची जैम हुआ ऐसे लाहौर को भी हम लोग जैम कर सकते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? सारे जिम्मेदार हैं, जिन जो जो धरने देते हैं उन्हीं दिनों ये ड्रामा लिखा गया, ना लिखा जाता तब कंट्रोल करते ना, जब ये ड्रामा लिखा जा रहा था आवाम को पागल किया, रोड ब्लॉक किए हुए, क्यों किए हुए हैं? सर दानिश के कत्ल पर क्या कहेंगे आप? दानिश भाई पाकिस्तान का बहुत ही अजीम बेटा था, और इसलिए उसका उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इंसाफ ना मिला तो हम आवाज उठाएंगे, हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, रोडों पर निकलेंगे। दानिश की मौत पर क्या कहेंगे आप? देखे भाई नवाज शरीफ को 5 अटैक हुए वो बच गया, दानिश को 1 अटैक हुआ
वो मर गया। अनपॉसिबल अनपॉसिबल, कैसे कैसे अनपॉसिबल अनपॉसिबल। मलिक रियाज साहब ने दानिश की बेवा मैविश को बैरियर टाउन में प्लाट देने का ऐलान किया है, जबकि जावेद अफरीदी साहब जो कि पिशावर जलबी के ऑनर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो दानिश के बेटे रूमी के तमाम तर तालीमी अखराजात को उठाएंगे, जबकि उस्मान बुजदार साहब ने एक आटे का थैला मैविश के लिए भेज दिया है। अपने लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस बात से डर गया कि तुम मुझे माफ ना कर दो, क्योंकि वो बदला असल में बदला वो शहवार, तो वो छोड़ गया बीवी को, इसलिए तो बीवी का ही हुआ ना, शहवार को बर्दाश्त नहीं हुआ उसका वो रवैया जो एंड में उसकी बीवी का था, तभी वो छोड़ के मजबूर हो गया जाने के ऊपर। उसने ये डिसाइड कर लिया उसको अपनी वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं हुई। जिल्लत थी एक टाइम पे, जिल्लत थी लेकिन फिर भी किया है दादी दानिश मार गया दानिश मार गया वापिस सजने हो रही है आपकी ऑल ऑल ओए अल्लाह मेरे पास तुम लोगों को देखने वाली आवाम हाय अल्लाह यार निशा पागल थे अनिशा भी वो बच गए वो देखो यार कोई नहीं यार दानिश अभी जिंदा हो जाएगा दानिश जिंदा अल्लाह की कसम दानिश जिंदा क्या हो गया देख लड़की को नहीं होगा तुझे भी कुछ नहीं होगा तो बहुत रो रहा हूँ दिल के ले गया लगता देखी भाई गाड़ी ना मर जाए देखना हमारे मथे लग जाएगा शायद तेरे मथे लग जाए ये वो लोग हैं जो ड्रामा देखने के बाद सिनेमा से निकलने के बाद रो रहे हैं ये दानिश के मरने पे नहीं बनाओ प्लीज ये रो रहे हैं बात कुछ नहीं होता ड्रामे को ड्रामे की नजर से देखते हैं उस लड़क को कुछ नहीं होता उस लड़कते हैं ड्रामे को ड्रामे की नजर से देखते हैं एंजॉय करते हैं हेलो मम्मा दानिश मर गया क्या हुआ है इना वीडियो कॉल पे अरे अल्लाह दानिश मार गया पुत्र इतना दुख दे मैं विष्णु नहीं होया लग क्या हो गया तुझे नहीं तेरा क्या लगता है दानिश हैं इन्हें बहुत तो दुख है नहीं तो फिर होना से किस चीज पे आया वो अपनी बीवी को छोड़ गया क्यों मर गया मर गया क्यों मरा है वो बीवी ड्रामा था वो जिंदा है बैनी उसे न लगाएगा आपकी ऑल ऑल ओए अल्लाह मेरे पास तुम लोगों को देखने वाली आवाम हाय अल्लाह यार निशा पागल थे निशा भी वो बच गए वो देखो Thank you.
सर ग्रैब हो गया था उसका स्पॉट पीसी का। अरे छुट्टी ब्रे मर गया मर गया ये हेलो तारिश मर गई। तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में, मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।